बंडा है और बंडा वाले याद है ना। हाँ फिर से तो हे गाइस बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की रील एडिटिंग जो कि आपने स्टार्टिंग में देखी। एंड गाइस आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि गाइस ये वाले जो रील अभी इंस्टाग्राम पे तो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, यानी कि अगर आप इस म्यूजिक पे अगर अपनी रील बनाते हो तो आपके रील के वायरल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। एंड आपको मैं एक बोनस टिप देना चाहता हूं कि गाइस आप लोग इस म्यूजिक के ऊपर ना कम से कम 2 से 3 वीडियो अपलोड करना। आपकी दोनों में से पहले 3 वीडियो अगर आप अपलोड करते हो ना उसमें से एक ना एक वीडियो जरूर आपकी वायरल होगी, जो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप लोग जो है मेरी इस चीज को जो है मतलब कि फॉलो करना गाइस, ठीक है। 2 या 3 वीडियो पक्का बनाना इसी म्यूजिक के ऊपर, थोड़ा अलग अलग डिफरेंट टाइप का। और जो टैग्स होंगे ना गाइस वो अब आप बस आप देख लेना, जो सबसे ज्यादा वायरल वीडियो होगी ना उसके टैग्स आप यूज करना। और बाकी आप लोगों को जो है मैंने जो मतलब कि आप जो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को आगे एडिटिंग उसको सेम वैसा एडिट करना, ठीक है। आप लोग वैसा अपलोड करना और आपकी जो वीडियो 100% वायरल होगी, मैं इसके लिख के चांस दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख लेना और बाकी गाइस वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस आज की वीडियो का जो हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम वीडियो को एडिट करने के लिए पे कैपकट ऐप का यूज करेंगे, इसको हम सिंपली ओपन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ये हमारी वीडियो है, ठीक है, जो मैंने जिसको मैं एडिट करने वाला हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे जो है सबसे पहले ऑडियो यूज करेंगे, ठीक है। जो आपने अभी स्टार्टिंग में सुना था आपको वही वाला ऑडियो मिलेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे करना क्या है, तो सिंपली म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उस पर आपको एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करना है। एंड आपको ये वीडियो मिलेगा उसका आपको सिंपली म्यूजिक लेना है, ठीक है। लिरिक्स वाला आपको मेरे टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो आपको अभी जैसे हम म्यूजिक हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। एंड अब उसके बाद जो ओरिजिनल जो वॉइस हमारी वीडियो उसको हम ऑफ कर देंगे बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या करेंगे यहाँ से, उसके बाद जो यहाँ से हम सॉन्ग का जो लिरिक्स हैं गाइस उसको ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ऐड करने के लिए करेंगे यहाँ पे ओवरले के ऊपर क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे। फिर उसका देखिए ओवर जो लिरिक्स वाली जो वीडियो है उसको ऐड करेंगे एंड जो वीडियो है आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब गाइस देखिए इसका ब्लेंडिंग मोड हम चेंज करेंगे यहाँ पे, एंड ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे नॉर्मल के बाद जो सेकंड वाला ऑप्शन हम इसको ले लेंगे यहाँ पे। एंड इतना देने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डन कर लेंगे। एंड जो इसका साइज़ है अपने अकॉर्डिंग वीडियो के अकॉर्डिंग जो है आपके अपने हिसाब से यहाँ पे रख लेना गाइस, ठीक है। तो मैं इतना रख लूँगा, इसको मैं यहाँ पे सेंटर में रख लूँगा, आप चाहो तो बीच में कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। तो आप जैसे मतलब कि इसको ऐड करोगे तो कुछ स्टेप से वर्क करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो म्यूज़िक के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर मैंने म्यूज़िक यहाँ पे ऑफ कर रखा है ताकि जो है वीडियो में कॉपीराइट क्लेम ना आए मेरी, इसलिए। अब गाइस देखिए इसके बाद क्या करना है यहाँ पे, आपको इतना हो जाने के बाद अब देखिए गाइस यहाँ पे इफेक्ट ऐड करना है आपको कुछ। तो यहाँ पे इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे पहले हमें ब्लर इफेक्ट ऐड करना था। यहाँ पे बेसिक में जाएंगे, बेसिक में जाने के बाद ये सेकंड वाला जो ब्लर है ये वाला ऐड करेंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे स्पीड जो है हम इसको 0 रखेंगे एंड जो इसकी इंसेंटिसिटी है इसको फुल रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि गाने में जो है साउंड कहाँ तक वर्क कर रहा है, तो हम यहाँ तक हम मेरा साउंड इसमें ये इफेक्ट रखेंगे, ठीक है। तो ये गाना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब गाइस देखिए इसके बाद जो है एक इफेक्ट आता है यहाँ पे वीडियो में, तो ये इफेक्ट यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। अब देखिए गाइस यहाँ से जो है म्यूज़िक को सुन सुन के आपको इफेक्ट को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इफेक्ट कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वीडियो को लेंगे यहाँ पे ट्रिम करेंगे एंड उसके बाद आगे से थोड़ा सा और ट्रिम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ट्रिम कर लेते हैं इसे स्प्लिट एंड उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे एंड इसमें एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा स्लो करेंगे एंड हम जो ये वाला इफेक्ट रखेंगे, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे हम वीडियो को हम प्ले करके देखेंगे तो गाइस इफेक्ट जो है काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जा रहा है गाइस, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको जो मतलब कि इफेक्ट जो है इसके जो हम मतलब कि जो लेंथ है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। तो उसके लिए उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम वापस पे क्लिक करेंगे, एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, नीचे जो लाइन दी है आपको उसको सिंपली बढ़ा देना है, परफेक्ट है। अब इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर करना है, फिर डन कर देना है। अब यहाँ पे हम वीडियो को प्ले करते हैं एंड ये हमारे इफेक्ट हैं शुरू हो रहा है। अब गाइस देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके बाद जो इफेक्ट हमें लगाना है, ठीक है, यहाँ पे वीडियो इफेक्ट पर जाएंगे। अब एक इफेक्ट लाएंगे जो क्योंकि शेक इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रहा, आपको शेक इफेक्ट मिल जाएगा बेसिक में ही, तो हम इसको ऐड कर लेंगे एंड इसको जो है आप कितना रखना चाहते हो वो अपने हिसाब से आप रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम जब वीडियो को प्ले करके देखते हैं यहाँ पे हमारी वीडियो कैसी लग रही है, यहाँ पे हमारा इफेक्ट एंड यहाँ पे सब ये शेक इफेक्ट, ठीक है। तो ये सब इफेक्ट जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं अभी यहाँ पे। तो अभी हमें थोड़े और इफेक्ट ऐड करना है, तो जैसे कि हम यहाँ पे वीडियो को स्प्लिट करेंगे एंड यहाँ से जो है हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक, यहाँ पे स्प्लिट कर लेते हैं पहले, ठीक है। एंड उसके बाद जाएंगे एनिमेशन में, एनिमेशन जाने के बाद हमें ये वाला शेक 2 वाला या शेक 3 वाला इनमें से आप कोई इफेक्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद इसकी जो ओपेसिटी हम इसे बढ़ा देंगे एंड यहाँ पे परफेक्ट है, ठीक है। तो अभी देखिएगा ये शेक इफेक्ट एंड इसके बाद ये एनिमेशन। अब गाइस देखिए इसके बाद जो है हमें एक इफेक्ट और लगाना है, तो क्योंकि वीडियो इफेक्ट में जाएंगे हम ऐसे,
एंड वीडियो इफेक्ट में जाने के बाद हम इसे स्टार्स में जाएंगे। अब स्टार में गाइस काफ़ी सारे इफेक्ट मिल जाएंगे आपको, इसमें से जो आपको बेटर लगे आप उसको ऐड कर सकते हो। यहाँ पे तो मैं 2-3 यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे को जो मतलब ज़्यादा पसंद आया वो इफेक्ट, तो उसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो मैं आपको यहाँ पे 2-3 इफेक्ट दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वाला है, ठीक है, ये वाला भी मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो बट अब क्या है कि ना वीडियो में ज़्यादा एक्सपोज वगैरह ज़्यादा है, तो मैं इसको जो है एक्सपोजर वगैरह, तो मैं इसको थोड़ा सा मतलब जो डिम लाइट में रखूँगा। तो जैसे कि ये, तो ये वाली भी मेरे को ठीक ही लग रही है, तो मैं इसको रख लेता हूँ। एंड यहाँ पे ओपोसिट मतलब जो लेंथ है इसकी कम, जो हम इसको प्ले करेंगे एंड इसके बाद यहाँ से हमारे इफेक्ट स्टार्ट। एंड एक इफेक्ट हम यहाँ पे भी रखेंगे जो कि एक बॉडी इफेक्ट। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम चलते हैं बॉडी इफेक्ट में। बॉडी इफेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग में एक इफेक्ट मिलेगा ये वाला, तो मैं ये वाला इफेक्ट रखूँगा। एंड देखिएगा कितना मस्त लग रहा है यहाँ पे इफेक्ट। तो अभी इसमें जो है कलर करेक्शन वगैरह भी करेंगे हम वीडियो में, तो अभी हम कैसे करेंगे वो भी बताऊँगा आपको। तो हमारी वीडियो हमने ऐसे एडिट करी है अभी कैपकट ऐप में, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी अमेजिंग लगने लगी हमारी वीडियो, ठीक है गाइज। तो अब इसके बाद देखिए आपको करना क्या है, अब जब आपका इतना काम हो जाएगा तो आपको जो है यहाँ पे अपनी वीडियो को सेव कर लेना है, ठीक है, ऊपर से क्लिक करके। तो अब यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। तो गाइज जब तक ये सेव हो रही है हमारी वीडियो, जब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है आपने, तो क्योंकि आप लोग के लिए इंस्टाग्राम से ट्रेंडिंग जो भी मतलब कि चल रहा होता है इंस्टाग्राम पर, मैं उसके ऊपर वीडियो लाते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग उन चीज़ों को मिस ना कर पाओ। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे VN ऐप का ओपन करेंगे एंड VN ऐप में हम जो है उस वीडियो को ऐड करेंगे जो भी हमने एक्सपोर्ट करी कैपकट ऐप में। तो उसको ओपन करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर करेक्शन करेंगे इसका, मतलब कि जो है कलर ग्रेडिंग वगैरह। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसे फिल्टर में चलेंगे। फिल्टर में जाने के बाद आपको साइड में एक एडजस्ट मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है, एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट जो है इसका हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ब्राइटनेस जो है इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे, जो सैचुरेशन है इसको थोड़ा सा कम, एंड जो इसको हम क्या करें इसको हम थोड़ा सा माइनस की तरफ रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट है। तो अब क्या करेंगे, HSL में जाएंगे एंड उसके बाद येलो कलर लेंगे, इसका ह्यू माइनस कर देंगे एंड सैचुरेशन बढ़ा देंगे, ल्यूमिनस भी बढ़ा देंगे। एंड जाएंगे ग्रीन कलर में, इसका ह्यू माइनस कर देंगे और जो सैचुरेशन है इसको भी बढ़ा देंगे एंड ल्यूमिनस जो है इसको रख लेंगे माइनस में, परफेक्ट है। अब ब्लू कलर है, जैसे कि मेरे को स्काई जो है स्काई ब्लू भी मैं रख सकता हूँ यहाँ पे और पर्पल भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो आपको दो ऑप्शन है, आप इन दोनों में से कोई से भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे पर्पल रखूँगा, ठीक है, तो सैचुरेशन बढ़ा दूँगा यहाँ पे मैं। एंड यहाँ पे जो है इतना काम हमारा हो चुका है, तो अभी जो है इसमें एक चीज़ की कमी रह जाती है, तो जैसे कि हमारे यहाँ पे शार्पनेस, तो वीडियो जो है हमारी HD क्वालिटी में लगी, इसलिए हम शार्पनेस बढ़ा लेंगे थोड़ी सी। और विगनेट वगैरह तो इसमें अच्छा नहीं लगता है इनमें, मतलब फ़ोटोज़ में ही ठीक लगते हैं विगनेट्स वगैरह, जो इसमें इतने खास नहीं लगते, नकली से लगते हैं, इसको हम रहने देते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये इतना हो चुका है, ठीक है। तो अभी देखिएगा ये हमारा फाइनल रिजल्ट जो कि हमने वीडियो को एडिट किया है। तो अब क्या करेंगे, अब जो है हम वीडियो को हम सेव कर लेंगे। तो आई होप कि यार आप सबको वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक लाइक कीप लविंग कीप सपोर्टिंग गुड बाय।